नेपा नगर की भाजपा विधायक सुमित्रा काष्टेकर के विरुद्ध एडवोकेट जहीरुद्दीन ने फरियादी बालचंद सपकाले आरटीआई कार्यकर्ता समाज सेवक की ओर से माननीय न्यायालय में शिकायत करते हुए सीआरपीसी की धारा 156/3 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसे फरियादी बालकिशन काले ने एडवोकेट जहीरुद्दीन के द्वारा आरोप लगाते हुए पत्रकार वार्ता में कहा कि नेपा नगर की भाजपा विधायक सुमित्रा काष्टेकर पर फर्जी दस्तावेज लगाकर भाजपा से चुनाव जीतना बताया है। एडवोकेट जहीरुद्दीन ने प्रेस वार्ता में बताया कि हमने न्यायालय से मांग करते हुए उनके खिलाफ धारा 467, 468, 620 बी, 471, 420 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करके गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। माननीय न्यायालय में हमारी बात को गंभीरता से सुनते हुए 20 मई को नेपा नगर की भाजपा काष्टेकर के खकनार पुलिस को निर्देशित किया है कि उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध किया जाए। ज्ञात हो कि फरियादी आरटीआई कार्यकर्ता बालचंद सिंधे के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार भाजपा विधायक सुमित्रा काष्टेकर ने उपचुनाव 2020 में निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत शपथ पत्र में अपनी जन्म तारीख 15 अगस्त 1983 बताई थी, जबकि अपनी शैक्षणिक योग्यता 8वीं क्लास बताई, लेकिन इसके पूर्व 2011 में इन्होंने जो एलपीजी गैस एजेंसी प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत किया था उसमें भाजपा विधायक सुमित्रा काष्टेकर ने अपनी जन्म तारीख 4 मई 1985 बताई थी। इस दौरान प्रस्तुत शपथ पत्र में विधायक महोदय ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास बताई है। यह समझ के बाहर है कि इतना डिफरेंट कैसे आ गया। मतलब साफ है कि इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव जीता है। अब इसे शिवराज सरकार को सत्ता की अति लालसा कहें या अपने भाजपाई कार्यकर्ताओं पर अविश्वास, क्योंकि पूर्व की विधायक को टिकट काटकर दल बदलुओं को फर्जी दस्तावेजों के सहारे सत्ता में बिठाया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस न्यायपालिका के आदेश के बाद कब विधायक पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध कर उनकी गिरफ्तारी करती है। बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट। नेपा नगर की विधायक श्रीमती सुमित्रा काष्टेकर जी के विरुद्ध हमने माननीय न्यायालय श्री गोविंद्र सिंह साहब बीएमएफसी के न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत एक परिवाद प्रस्तुत किया था और उसमें हमने माननीय न्यायालय से ये निवेदन किया था कि जो नेपा की विधायक भारतीय जनता पार्टी की विधायक है श्रीमती सुमित्रा काष्टेकर जी ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके इलेक्शन जीता है उनके खिलाफ धारा 467, 468, 120 बी, 471, 420 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करके गिरफ्तारी के आदेश होना चाहिए। माननीय न्यायालय ने हमारी बात को गंभीरता से सुनते हुए जिस इंसाफ की नीयत से मैं और मेरे पक्षकार श्री बालचंद सिंधे जी न्यायालय में गए थे, माननीय न्यायालय ने इंसाफ करते हुए 20/5/2022 को माननीय श्री विधायक माननीय श्रीमती सुमित्रा काष्टेकर जी विधायक नेपा नगर के विरुद्ध थाना प्रभारी पुलिस थाना खकनार को निर्देशित किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया जाए। तो जैसे ये तो पहला चुनाव अभी के मामला है कि 2 साल पहले ये 2020 के अंदर जो उपचुनाव हुए हैं उसके अंदर जो उन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते, उसके अंदर उन्होंने अपनी जन्म तारीख 15/8/1983 बताई और उसी में उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता जो बताई है 8वीं बताई, 8वीं पास। लेकिन इसके पूर्व में जो उन्होंने 2011 के अंदर एलपीजी गैस एजेंसी जो प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत किया था उसके अंदर उन्होंने अपनी जन्म तारीख जो बताई है वो 4/5/1985 बताई है और उसमें अपनी शैक्षणिक योग्यता उन्होंने 10वीं पास बताई है। शपथ पत्र है क्या चाहते हैं ये सब बिंदुओं को लेकर हम जो चाह रहे थे, माननीय न्यायालय ने हमारी निवेदन का एहतराम कर लिया है, एफआईआर के आदेश कर लिए। अब हम ये चाहते हैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, क्या विलम्ब भारतीय जनता पार्टी की विधायक श्रीमती सुमित्रा काष्टेकर जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।